रतलाम में सोमवार को एक बार फिर अपराधियों के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने हत्या के आरोपियों के मकानों के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। राजीव नगर क्षेत्र में यह पूरी कार्रवाई की गई, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यह मामला 11 अप्रैल का है, जब एक युवती के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर उसके मंगेतर के सर पर बेसबॉल का बैट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जहां बाद में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद सोमवार को पुलिस ने हत्या के आरोपी के मकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। की घटना थी 11 अप्रैल को रात्रि के करीबन। एक फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ डीजर शेड रूट पर चार लड़कों ने छेड़खानी की और जब उसने अपने मंगेतर मोहसिन को वहाँ बुलाया तो उसको वहाँ उस पर जानलेवा हमला किया बेसबॉल और अन्य साधनों के द्वारा और उसकी गंभीर चोट पहुँचाई, जिसमें आगे उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार ये जो आरोपी थे, ये हत्या के आरोपी थे और आज नगर निगम के द्वारा इन आरोपितों के घरों में, चूँकि इनकी मकान निर्माण की अनुमति नहीं थी, तो उनके द्वारा विधिनुसार कार्रवाई की गई। चारों आरोपी राउंडअप करिए। चारों आरोपी राउंडअप हो चुके हैं और विधिवत उसमें विवेचना चल रही है।